गुड इवनिंग एवरीवन, नया एक ब्लॉग के साथ, नया एक ट्रिप के साथ आप लोगों के साथ फिर से मैं जोड़ रहा हूँ। मैं प्रसन्नजीत और मेरी वाइफ नवनीता, हम दोनों इस बार अकेले ट्रिप में जा रहे हैं। लास्ट ट्रिप हम लोगों का अमरनाथ था जो कि ग्रुप में था। उसके बाद आप लोग देखे मैंने एक प्रीमियम गाड़ी डिलीवरी लिए थे, उसका भी ब्लॉग आ चुका है ऑलरेडी, आप लोग जरूर दिखिएगा। और सुबह से सोच रहा था सुबह से ब्लॉग करूंगा, शॉपिंग वगैरह का, वीजा वगैरह का, पासपोर्ट का, टिकट का सब डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। एक एक करके मैं बताता रहूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो अभी घर से निकल रहे, उबेर भी आ गया है और अभी चल रहे सब लोग। टाटा टाटा। मेरा पापा मामोन यहाँ पे, मेरा पापा और सब लोग नीचे जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे मेरा पूजा घर है, हम घर को एक बार बाय करके अभी चल रहे। चलिए अभी मैं बैग लेके नीचे जा रहा हूँ। उबेर आ चुका है ऑलरेडी, 6:30 का फ्लाइट है, लेकिन अभी 4:05 हो चुका है। देखते जाके क्या होता है, कैसे कैसे ट्रिप प्लान हुआ, कैसे कैसे सब कुछ डिटेल्स में बोल लेंगे हम। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मेरा छोटा सा गाड़ी, टाटा गाड़ी, बाय 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 गाड़ी। तो चलिए अभी चलते हैं। दो मम्मी ऑलरेडी आके रेडी है। चलिए बाय, सब लोग को बाय, अभी निकलते हैं। तो मामन क्या बोलना है ट्रिप के बारे में? ये ट्रिप मैंने मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ, अचानक से हो गया, अचानक से हो गया सच में गाइस। 10 दिन का प्लानिंग था और अभी जा रहे हैं हम लोग। चलो बाय बाय। चलो हम लोग तो अभी निकल चुके हैं घर से, उबेर में हूँ मामन और मैं। तो आगे आप देख सकते हैं, अभी हम लोग जालुकबाड़ी क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं हम लोग जालुकबाड़ी फ्लाई ओवर। और आज पूरा गुवाहाटी में पूरा बारिश गिर रहा है सुबह से ही, तो अब देख पा रहे हैं पूरा बाहर भीगा भीगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है, 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुँचना है, लेकिन हम लोग को शायद 5-10 मिनट लेट हो जाएगा क्योंकि 6:30 का फ्लाइट है और इंटरनेशनल फ्लाइट है। तो हम सोच रहा था थोड़ा जल्दी, सॉरी गुवाहाटी से चेन्नई हम लोग का डोमेस्टिक है, चेन्नई से श्रीलंका हम लोग का इंटरनेशनल है। तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं और चेक इन करते हैं। और इस ट्रिप का एक्चुअली हम लोगों को खुद को भी मालूम नहीं था कि ट्रिप हो जाएगा हम लोगों का। तो मैम मैंने अचानक से उनको एक दिन कॉल किया और उन्होंने, मैंने बोला कि चले श्रीलंका चलते हैं, उन्होंने शायद मजाक ही लिया या सीरियसली लिया पता नहीं, नेक्स्ट डे टिकट हो गया हम लोग का। हाँ, तो नेक्स्ट डे मेरा एक सार का लड़का है जो बेंगलोर में रहता है, उनसे उन्होंने गया हुआ था, तो अचानक से याद आया कि वो भैया गया हुआ था। तो मैं उनको कॉल किया, मैसेज किया, तो उन्होंने फिर मुझे हेल्प किया है, गाइड किया। वो भैया जिस ट्रैवल एजेंसी गया था, मैं डायरेक्ट उनको ही कॉन्टेक्ट किया, दूसरा किसी के साथ मैं इंक्वायरी नहीं की। तो इस वजह से और जल्दी जल्दी हो गया काम, बहुत ही अच्छा रेट मुझे मिल गया था ट्रैवल का, क्योंकि अभी 31 मार्च तक श्रीलंका का वीज़ा फ्री है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि श्रीलंका कुछ ही दिन पहले इकोनॉमिक क्राइसिस में था और अभी थोड़ी उभर के आया है क्राइसिस से, इसलिए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए श्रीलंका गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक वीज़ा फ्री किया। तो हम सोचा ठीक है एक बार घूम के आते हैं। हम लोग का बजट मोटा मोटी 2,000 से 2,500 डॉलर का है, तो आप INR कर लीजिएगा क्योंकि हम डॉलर में हिसाब किया है सारा, क्योंकि उधर डॉलर एक्सचेंज करके मुझे श्रीलंकन मनी मिलेगा। तो हाँ, मोटा मोटी 2,500 से 2,500 डॉलर में मेरा मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा। तो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अभी से ट्रिप के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी हम लोग देते जाएंगे। हाँ, कि आप लोग भी कभी जाने से आप लोग को भी वो हेल्प होगा। हाँ, तो मेन बात है कि मेरा फ्लाइट का थोड़ा ज़्यादा गिर गया, क्योंकि एयर इंडिया का फ्लाइट है मेरा और मैं बहुत शॉर्ट टाइम पे काटा था, तो इसलिए मेरा अप डाउन टोटल हम दोनों का गुवाहाटी टू गुवाहाटी 50,000 के करीब गिर गया, 2,000 का 48,000 आ गया था। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग कभी भी अगर इंटरनेशनल ट्रिप करें तो बहुत दिन पहले टिकट का फाइनल कर लें ताकि आपको कम में मिले। चलिए अब आगे और भी बातचीत होता रहेगा, अभी हम लोग थोड़ा एयरपोर्ट जाने का कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अभी हम लोग ने तो लंच करके आए हैं दोनों ने, पर फिर भी उनको भूख लग गया तो
हम लोग एक चीज मोमो ऑर्डर किए। कैसा लग रहा है, फीलिंग्स कैसा हो रहा है? फीलिंग्स बहुत अच्छा है मेरा, तो हम लोगों का चेकिंग हो चुका है, तो एज यूजल क्या ही चेकिंग दिखाऊँ, सबको लोगों को पता है। तो अभी चेकिंग वगैरह करके हमको तो बहुत टेंशन हो रहा था कि हमको फ्लाइट बोर्डिंग ना दे, लेकिन क्योंकि 2 घंटा का आजकल नियम है, 2 घंटा पहले पहुँचना है, हम लोग 5-10 मिनट देरी हुआ था, तो फिर भी हम लोग को मिल गया। लेकिन फिर चेकिंग हुआ, चेकिंग होने के बाद अभी हम लोग अगर हम लोग का पूरा मोटा मोटी 1.5 घंटा 1.5 आवर टाइम है, उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा मोमो खाएंगे। मैं सोच रहा था कि मोमो खाऊंगा, तो वाओ मोमो पे आया हुआ, आप देखते हैं पीछे है मेरा वाओ मोमो। तो और आप लोग सोच रहे हैं मेरा ये ग्लास को देखें, मैं ग्लास पहनती हूँ पर कभी कभी, क्योंकि मेरे फेस में सूट नहीं करता इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ, पर आज बहुत माइग्रेन पेन हो रहा है मेरा, तो इसलिए मैं पहनी हूँ। कैसा लुक, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे पता है, पर ये जबरदस्ती पहनना। तो श्रीलंका जा रहे हैं और हम वहाँ का कैसा, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, मेरे लिए ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, उनका तो हो गया पर मेरे लिए फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं वहाँ पर जाके क्या करते हैं। तो हम लोग अभी एक वाव मोमो में चीज़ कॉर्न मोमो ऑर्डर दिया था, क्योंकि मामन भेज खाते हैं इसलिए हम चिकन। आज प्रसन्नदीप घोष को रियलाइज हुआ, क्योंकि जब ऑर्डर देने वाला था उसने बोला कि ओ तुम तो चिकन नहीं खाओगे वेज खाओगे, क्योंकि उसको वेज खाने चिकन अकेला खाना पड़ता है उसको, इसीलिए। तो मैंने इसलिए दोनों का ही काम हो जाए इसलिए मैंने वेज ऑर्डर दिया। और वाव मोमो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों का एक प्रॉब्लम नहीं है, लोग फ्रोजन मोमो खिलाते हैं, तो देखते हो क्या होता है और खा के बताता हूँ कैसा टेस्ट। मामोन ट्राई इट, क्या है? ट्राई करूँगी मैं, पहले इंस्टाग्राम में स्टेटस अपलोड, लड़की लोग का पता ही है स्टेटस अपलोड नहीं तो पेट में हजम नहीं होता, तो इसीलिए पहले स्टेटस अपलोड कर लेती हूँ। चले टेस्ट करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग का चेक इन हो चुका था, अब लोगों को इतना डिटेल्स में नहीं दिखाया, वहाँ पे बहुत भीड़ था, तो डायरेक्ट अभी फ्लाइट पे हूँ, अभी रनवे पे हूँ। तो बहुत दिन के बाद हम लोग का रात में फ्लाइट ले रहा हूँ, तो अब देख सकते हैं अभी बहुत ही रनवे पे हूँ और पूरा अंधेरा हो चुका है। सो चलते हैं फिर हम लोग डायरेक्टली आप लोग से बात करेंगे चेन्नई एयरपोर्ट। तो अभी हम लोगों का कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो भैया चेन्नई से ओके फिर कोलंबो, तो बोर्डिंग पास हम लोगों को कोलंबो तक ही दे दिया है और हम लोगों का बैग भी डायरेक्ट कोलंबो में मिलेगा। तो खाना आ चुका है, तो देखते हैं क्या है खाने में। एक्चुअली मैंने टिकट किया, मुझे भी पता नहीं है। हाँ, हम लोग को भी पता नहीं था कि हम लोग को मिले देखते हैं। इसमें केक है, आप देख पा रहे हैं चोको बन केक है यहाँ पे, और वो एक बोट का मैंगो शेक, जूसी पेपर बोट, और इसमें क्या है देखते हैं खोल के। बहुत गर्म है, ऐसे भी हम लोग को पता नहीं इतना भूख कहाँ से आ रहा है, हम लोग लंच करके आए थे फिर मोमो खाया, मोमो एयरपोर्ट में खाए हैं, अभी भी भूख लग गया है, पता नहीं इतना भूख क्यों लग रहा है। इडली है छोटा इडली, और इसमें वो सांबर, ये बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है, ये इडली है ट्राइट एंड सांबर के साथ मिक्स किया हुआ है, ये उपमा है। ट्राइट और हाउ इज द टेस्ट? इट्स गुड, ओके क्योंकि मुझे मेरा वाला भी आ चुका है। तो गाइस हम लोग अभी चेन्नई लैंड हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अराइवल है, और अभी हम लोग थोड़ा वेटिंग पे रुकेंगे, 12 बजे हम लोगों का नेशनल फ्लाइट है। चलिए अंदर को, मैं थोड़ा वॉशरूम गया था, फ्रेश हो लिया क्योंकि 3 घंटे का जर्नी था, बिफोर अराइव हो चुके थे हम लोग 10-15 मिनट,
हम लोगों का बैग का झमेला नहीं है, डायरेक्ट कोलंबो में मिलेगा। और मेरा बहुत कान का दर्द था जब लैंडिंग हुआ था, मेरा हालत ख़राब हो गया था, पता नहीं क्यों इस बार फर्स्ट टाइम मेरे कान में बहुत दर्द होने लगा। मैं वहाँ पे बैठ भी नहीं सक रही थी अच्छे से ना। उसका बहुत पेन हो रहा था, लेकिन क्योंकि लैंडिंग के समय या क्या बोल रहे हैं उसको, कैप्टन ने बोला कि ट्रैफिक है, चेन्नई एयरपोर्ट पे बहुत ट्रैफिक है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए एक जगह पे ऐसे खड़ा रहा है या फिर उतर नहीं रहे थे, एक ऑल्टीट्यूड पे आके वो रुका रहा था, इसलिए शायद उसका पेन थोड़ा बढ़ गया था। तो अभी हम इंटरनेशनल ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे एक सर को पूछा तो इस तरफ भेज दिया, बोला कि इस साइड में है, साइड में चलिए ढूंढ लेते हैं पहले। डोमेस्टिक से इंटरनेशनल कनेक्टेड है, इधर से जाना बोला है, पर यहाँ पे कोई नहीं है। एक्चुअली हम लोग के भी, हम दोनों के अलावा इधर में और कोई भी नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं पूरा खाली है, और ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगा। बोला कि पूरा पुलिस भी बोला कि पुलिस पे जाने के लिए। हाँ, आगे क्या मिलता है आप देख सकते हैं, एक तरफ से लेके एक तरफ पूरा खाली है, सिर्फ हम दोनों ही इंटरनेशनल पे, तो कितना दूर जाना पड़ेगा पता नहीं। और ये हम लोग का फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंट्री है, और फ्लाइट भी है फास्ट, इतना क्राउड भी नहीं है, और इधर में कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है नया, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए पहले उधर पहुँचते हैं, क्या मिलता है, हम लोग को कोई आइडिया नहीं है उधर क्या है, जाके देखते हैं। ओके ओके, तो फाइनली हम लोग बहुत मशक्कत के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट में पहुँच गए, ये देख सकते हैं आप अन्ना इंटरनेशनल टर्मिनल 2, यहाँ से हम लोगों का श्रीलंका का फ्लाइट होगा। हाँ मामा, क्या बोलते हो, फाइनली मिल गया टर्मिनल, एंड आई एम सो हैप्पी। ये ट्रिप मुझे पता नहीं, मैं एक्सप्रेस कर नहीं सकती हूँ, मैं अंदर से बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम कुछ अलग ही ट्रिप है। तो एक्चुअली ये चेन्नई का ऊपर में है, डोमेस्टिक नीचे है, इंटरनेशनल ऊपर में है, तो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे इतना ठंड भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा गर्मी है। चलिए यहाँ पे चेक इन करते, उसके बाद अंदर का नज़ारा देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर है। तो अभी हम लोग है बेसिकली चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, अंदर घुस गए, अभी चेक इन नहीं किया, चेक इन कर सकते हैं, और ऊपर में देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हमको इधर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसलिए शॉर्ट में आपको दिखा रहा है, इधर इमिग्रेशन है, आप देख पा रहे हैं इधर इमिग्रेशन, अभी हम लोग इमिग्रेशन करेगा। और मामन हाउस द जोश, तो हम लोग पहुँचेगा करीबन 12 बजे का फ्लाइट है, और 2 बजे का पहुँचेगा, तो अभी इधर में अब देख पा रहे कितना सुंदर एयरपोर्ट है, और चेन्नई में इतना ठंडा भी नहीं है, हम लोग को स्वेटर पहनने का जरूरत ही नहीं है। हाँ बहुत कम है ठंड, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर इंटीरियर है इधर। तो चलिए अभी इमिग्रेशन जाएंगे, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ इमिग्रेशन। चलिए तो हम लोग का इमिग्रेशन हो चुका, बहुत इजीली इमिग्रेशन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है कि नहीं। और मेरा ये फर्स्ट टाइम लग गया, और मेरा भी लग गया क्योंकि वीजा नहीं चाहिए, फ्री है तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी सिक्योरिटी चेक में जाएंगे, हम लोग का इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया, वो पार्ट है इमिग्रेशन एरिया, तो अभी हम लोग जाएगा इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक में, फिर उसके बाद थोड़ा लाउंज वगैरह एक्सेस करेंगे। चलिए आगे, अभी मैं लाउंज पे पहुंच चुका हूँ, चेन्नई का इंटरनेशनल लाउंज जो कि मेरे सामने है, और मैं ऑलरेडी एक्सेस कर चुका हूँ, तो अभी मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ अंदर में क्या क्या है, चलिए दिखाता हूँ। तो ये हो गया लाउंज का, ट्रेवल क्लब लाउंज आप देख सकते हैं, और यहाँ से होता है एंट्री, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो अंदर का नज़ारा चलिए दिखाता हूँ मैं। और हम लोग घर में बैठे हैं, तो देखिए ये थोड़ा वीआईपी टाइप है, और मामन इधर बैठा है, खाना पीना हो चुका, ऑल डन, एवरीथिंग डन, कैसा रहा? बहुत अच्छा था लाउंज का एक्सपीरियंस। तो चलिए मैं आपको थोड़ा अंदर क्या क्या है आपको दिखाता हूँ, चेन्नई का इंटरनेशनल लाउंज, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सॉफ्ट ड्रिंक बिवरेज वाला मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको रोटी वगैरह सूप, एक्चुअली मेरे हिसाब से उतना क्वान्टी आइटम है नहीं, मिनिमम आइटम ही है, क्योंकि मैं जितना अभी तक लाउंज एक्सेस कर चुका हूँ इससे ज़्यादा ही
आइटम रहता है, यहाँ पे लाइव काउंटर भी है। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छा लगा मुझे, जो कि ये जो बार काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बियर 2 बोतल फ्री मिल जाएगा और कोई भी विस्की आपको लार्ज 1 मिल जाएगा। तो ये चीज़ अच्छा लगा। बाकी तो मैक्सिमम बार में लाउंज पे आपको वो ड्रिंक फ्री नहीं मिलता है, पेड मिलता है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये हो गया पूरा लाउंज। सिटिंग एरिया अच्छा खासा है और हम इधर में बैठे हैं साइड में। और ये हो गया फूड काउंटर, आप जो देखे। तो अभी हम लोग का एक्चुअली निकलने का टाइम हो गया है। तो टाइम कितना टाइम हो रहा है? 11:29। मेला हम लोगों का 11:35 को बोर्डिंग है, तो निकलता है। 117 नंबर गेट नंबर है, तो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। डाइट कोक ले लिया 2, चलते चलते पियेंगे। और फ्लाइट में तो हम लोग को एयर इंडिया है, जो कि खाना मिलेगा ही। फिर आप लोग को सीधा श्रीलंका से वीडियो करेंगे। तो अभी जाते हो और भी इतना एक्चुअली वीज़ा फ्री में उतना कोई हसल होता नहीं है, ज़्यादातर नॉर्मली है। सिर्फ हम लोगों को इमिग्रेशन पे पूछा कि आप लोग किस पर्पस पे जा रहे हैं, हम बोला हम टूरिस्ट है, ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। तो बस इतना ही पूछा, स्टाम्प मारा, पास कर दिया और कुछ नहीं। इसीलिए बाकी अभी जैसे फ्री में गया, अगले बार पेड में जाएंगे तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहेगा। तो फ्री से ही चालू शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं बांग्लादेश गया हुआ था, वो पेड था, लेकिन वो इतना बाय रोड गया था तो उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। वो बाय रोड का एक्सपीरियंस था। ये डायरेक्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस है। तब तो 2020 का बात था, कोविड के पहले। मैं जनवरी में गया था, कोविड मार्च में आ गया था। अच्छा हुआ मैं कोविड के पहले आ गया था। और अभी नेक्स्ट टाइम मेरा इंटरनेशनल 2024 फिर से जनवरी फरवरी फर्स्ट ऑफ ईयर। तो अभी निकलते हैं, चलिए आगे मिलते हैं।